आप तारीख पढ़ेंगे तो चंद मिसालें मिलती हैं हमें। हमें मिसाल मिलती है अल्लामा इकबाल की वालदा के बारे में। हम जब किताबें पढ़ते अल्लामा इकबाल की जिंदगी के बारे में तो पता चलता है कि अल्लामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा से जुड़ा था, जो सूद से जुड़ा था, और अल्लामा इकबाल की वालदा इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की वालदा ने अपने छाती का दूध, अपना दूध अपने बेटे को नहीं पिलाया। वो चाहती थी कि मेरे बेटे के जिस्म में एक बूंद भी हराम कमाई नहीं जाए। तो अल्लामा इकबाल की वालदा ने क्या किया, अपने जेवरात बेचे जो खुद के थे, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई के थे, जेवरात को बेच के एक बकरी खरीदी और उस बकरी के दूध से परवरिश की अल्लामा इकबाल की। और अल्लाह ने फिर उनके शौहर को हिदायत दी और वो भी सीधे रास्ते पे आ गए।